हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावनाज हैंग आउट। और आज हम अलवर में हैं और मैं अभी आई हूँ हनुमान जी के दर्शन करके, तो इसीलिए आपको मेरे फेस पे टीका नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग आए हैं डिनर करने प्रेम पवित्र रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत पहले खाना खाया था यहाँ पे, कई सालों पहले खाया था और आज फिर से आई हूँ खाने। तो टेस्ट करते हैं कि कैसा यहाँ का खाना है और इतने सालों में क्या इसमें चेंजेस हुए हैं क्वालिटी में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये है इसकी मेन एंट्री, यहाँ से लिखा हुआ है रेस्टोरेंट इधर से है। ये है कुछ पैकेट का इस तरीके से, यहाँ पे इन्होंने सीट पहले रिजर्व करके रखी हुई है। बेबी क्या हुआ, आप डिनर करने आए हो क्या? अच्छा, इससे पहले कहाँ गए थे, कहाँ आ रहे हो? ये है इसका मेनू और आप देख सकते हो प्रेम पवित्र भोजनालय, जैसा कि हर रेस्टोरेंट में लिखा ही होता है। तो भाई रेट है यहाँ के कुछ इस तरीके से, तो आप एक बार रेट पे नज़र घुमा लीजिए, क्या क्या मिलता है वो सब भी आपको मालूम पड़ जाएगा। शिवा नाई वैसे मैंने जहाँ तक सुना है कि इसका जो डोसा है वो बड़ा फेमस है, तो देखते हैं फिलहाल हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। यहाँ का डोसा बड़ा फेमस बताते हैं, तो हमने भी यहाँ पे दो मसाले डोसा ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कि टेस्ट में कैसे हैं, वर्थ इट है या नहीं है। तो अभी ऑर्डर दिया है और ये भी देखते हैं कि ऑर्डर कितनी देर में आएगा। जस्ट अभी मैंने ऑर्डर दिया है, तो चलिए वेट करते हैं कितना टाइम लगेगा ऑर्डर आने में, उससे सर्विस का भी मालूम पड़ जाएगा। भाई हमें ना समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे ब्लॉगिंग करें, क्योंकि हमारा जो बच्चा है ना इतना शैतान है। पहले इसने जिद मचाई कि मुझे कोक दिलाओ, हमने इसे दिला दी क्योंकि इसे पीनी तो होती नहीं है, लेकिन जब तक खाना नहीं आए तो बदमाशी कैसे करी जाए। तो ज़रा इसकी बदमाशी के ना नमूने दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, पूरे टेबल पे इस लड़के ने कॉक ही कॉक कर दी। ये क्या किया है, ये क्या है, हैं क्या किया, ये क्यों गिराई, क्यों गिराई आपने, हंसी भी आ रही है फिर। अभी अब कहाँ चले, हमने भैया को बुलाया फटाफट सफाई करवाने के लिए और इधर हमारा ऑर्डर भी आ गया। भाई ये आ गया है हमारा मसाला डोसा, कुछ इस तरीके से आया है और तिकोनी शेप आई है इसकी, तो लुक तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी टेस्ट देखते हैं कैसा है। और ये है इसकी सांभर और साथ में ये आई है चटनी। भाई डोसे का जो ये क्रिस्प है ना, ये तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इसका। और जो सांभर है वो आप ये देखो, सांभर की जो थिकनेस है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। और टेस्ट इसका अभी देखेंगे कैसा है। थोड़ा सा अंदर का जो मसाला है आलू का वो देख लेते हैं, तो जैसा हम हमेशा करते हैं थोड़ा सा इसका पेट फाड़ते हैं। भाई मुझे एक चीज़ पता है क्या अच्छी लगी इसमें ना, देखो जब हम बाहर कहीं डोसा लेते हैं तो जो हल्दी होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है, तो थोड़े धुले धुले आलू लगते हैं, लेकिन इसमें हल्दी तो सही डाली है और मसाले तो मुझे सही लग रहे हैं, रंगत से तो मसाला बढ़िया लग रहा है। तो चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं और आपको टेस्ट भी बता देते हैं। ये आप ना थोड़ा पास से ये देखो, इसके अंदर ना ये काजू भी डाली हुई है मसाले के अंदर, मसाला बढ़िया बनाया हुआ है भाई इन्होंने। तो पहली बाइट तो मैं इसमें लूँगी बिना सांभर के, ताकि थोड़ा सा जो आलू मसाला है उसका टेस्ट आ पाए। भाई लहसुन इसके अंदर है, तो ये लहसुन का फ्लेवर एक बाइट लेते ही मालूम पड़ जाता है। जो नहीं खाते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, जो खाते हैं मेरे तरीके से उन्हें अच्छा लगेगा। तो अब मैं दूसरी बाइट ले रही हूँ सांभर के साथ। टेस्टी सांभर है इसकी, खटास जो सांभर की है एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है सांभर का। नारियल चटनी भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। भाई टेस्ट तो डोसे का बहुत बढ़िया है,
कोई भी चीज़ में मेरे को कमी नहीं लग रही, ना इसके मसाले में मुझे कमी लग रही है, ना मुझे इसके सांभर में कमी लग रही है, ना मुझे इसकी नारियल चटनी में कमी लग रही है। टेस्ट बहुत अच्छा है। प्राइस के साथ अभी करेंगे, पहले से फिनिश कर लेते हैं। ये आ गया है हमारा यहाँ पे बिल, और ये है कुछ बिल इस तरीके से। और शिवा रुको बेटा एक सेकेंड, और साथ में जो है रेस्टोरेंट में आपको मिलता है सौंफ और चीनी डाइजेशन के लिए। हमारा फूड फिनिश हो गया है, और फिनिश होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आई है बाउल के अंदर, एक नींबू का स्लाइस है और जो पानी है वो थोड़ा सा गुनगुना है, कुछ ऐसी स्लाइस आई है। ये बेसिकली आया है ताकि आप थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लें। भाई सच में इतना अच्छा गुनगुना पानी है ना, इतना अच्छा लग रहा है, राहत सी मिल रही है गुनगुने पानी में हाथ दे के। जैसे ही आप रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकलेंगे ना, तो भाई रेस्टोरेंट वाले आपको ना थैंक यू बोल रहे हैं। थोड़ा लाइट से शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा, थैंक यू फॉर विजिटिंग, प्लीज़ कम अगेन। तो भाई खाना हमने खा लिया है, और अपना ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि खाना टेस्ट के मामले में तो बहुत बढ़िया है। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एक छोटी सी चीज़ मुझे खली है, वो ये कि मुझे इसके प्राइस बहुत ज़्यादा लगे। 200 रुपये का मसाला डोसा है, आई थिंक ये 150 का होना चाहिए, तो 50 रुपये थोड़े से कम होने चाहिए। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह और देखते हैं कि हम वहाँ पर और क्या खा सकते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। ये भैया यहाँ लगाते हैं टिक्की, तो इनकी हम टिक्की टेस्ट करेंगे कि टिक्की कैसी है। तो चलिए थोड़ा भैया के पास चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इनके पास मिलता है। भाई अभी हम आए हैं टिक्की खाने, और अभी टिक्की में टाइम है, थोड़ा सा भैया प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे सामने, इतने आप भी थोड़ा सा मेकिंग को एंजॉय कर लो। यहाँ पे ये भैया बना रहे हैं टिक्की, तो ये थोड़ा सा अभी प्याज वगैरह कट कर रहे हैं, और वैसे यहाँ पे इन्होंने ना छोले चढ़ा दिए अपने गर्म होने के लिए, और टिक्की भी ये अभी बनाएंगे हमारी गरम गरम वाली। भाई भैया देखिए फटाफट, इन्हें हैबिट होती है प्याज वगैरह काटने की थोड़ा फटाफट, हम लोग इतनी फटाफट नहीं काट पाते हैं। और यहाँ पे ये हमारी टिक्कियाँ बन रही है एकदम गरम गरम। टिक्की हो और उसके ऊपर प्याज ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। यहाँ पे ना ये भैया प्याज के अंदर डाला है इन्होंने धनिया वगैरह, और उसे मिक्स कर रहे हैं। और इन पत्तों में लगेगी हमारी टिक्की। पहले टिक्की को किया है क्रश, भाई गरम गरम टिक्की है, पता नहीं कैसे क्रश कर रहे हैं। गरम नहीं लग रहा भैया एकदम गरम गरम निकली है, आपसे क्रश कर रहे हो आप। और अब जाएंगे इसके अंदर छोले, तो भाई ये है इनके छोले। सभी तरह की टिक्की मिलती है, कोई छोले के साथ देता है, कोई विदाउट छोले देता है, लेकिन यहाँ पे ये भैया ना छोले के साथ ही देते हैं। भैया एक में मीठी चटनी मत डालना, ये मैं अपने लिए बनवा रही हूँ, मुझे मीठी चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती टिक्की में। और वही बस इसके ऊपर फिर से गई है धनिया वाली चटनी, हरी चटनी। और अब जाएगा ऊपर से ये प्याज धनिया जो इन्होंने काट के रखा था अभी। ये लो भाई टिक्की हमारी हो गई है रेडी। और इसके ऊपर भैया ने थोड़े थोड़े छोले, और वर्गी की भाई एक चीज़ देखी आपने, इन्हें इसमें छोले कम लगे तो भैया ने और डाले हैं उसके अंदर। और फिर ये गरम आपको ना लगे इसके लिए इसमें नीचे प्लेट भी लगा के दिए। हाँ तो भाई ये है टिक्की, कोई देता है इस तरीके से टिक्की? छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर जाती हैं कई बार ना। और ये है बैठने का, तो यहाँ पे ना हम लोग खाएंगे बैठ के। अब टिक्की टेस्ट कैसा है वो आपको बताती हूँ। इसने महाराज ने तो अपनी बस काम की चीज़ पकड़ ली है। तो भाई टिक्की का टेस्ट कर लेते हैं फटाफट की टिक्की टेस्ट में कैसी है। हाँ बेबी अच्छा ठीक है, मैं टेस्ट कर लूँ। आलू आपको खानी है? खानी है आपको?
टिक्की खाते हो ना भाई, तुम मेरी तरह ना एक्साइटमेंट में ना गरम गरम मत खा जाना, क्योंकि एक बार जीभ अगर जल गई ना, टेस्ट गया दो दिन के लिए फिर। एक्चुअली मेरी जली नहीं है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी सी गर्म लगी है, लेकिन टिक्की का टेस्ट ना अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, सोसो कहेंगे, क्योंकि मेरे माइंड में ना अभी भी यूपी वो मुझे मतलब उसका जो टेस्ट है मेरे माइंड में अभी तक भी है। वो टिक्की मुझे इतनी अच्छी लगी, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाला ब्लॉग भी देख लेना। तो भाई आज का हमारा डिनर ऐसे ही हुआ है, पहले हमने डोसा खाया, फिर हमने टिक्की खाई, तो पेट हमारा ऐसे ही फुल हो गया है। अब कुछ और चीज़ खाने की जगह नहीं है पेट में, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है मीठे की, क्योंकि उसके बिना ना हमारे डिनर का एंड होगा ना हमारे ब्लॉग का एंड होगा। तो अभी हम जा रहे हैं कोई स्वीट शॉप ढूंढने अच्छी सी, ताकि कुछ मीठा वहाँ से लें और अपने ब्लॉग का एंड करें और आपके साथ भी टेस्ट उसका शेयर करें कि इस मीठे का टेस्ट कैसा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सबसे ज़रूरी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया करो भाई। ये शॉप थी दूध मिष्ठान भंडार की, जहाँ हमें मीठा टेस्ट करने आना था, लेकिन ये शॉप आज बंद हो गई है। अब इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई पता नहीं, तो मीठा हमारा कैंसिल हो गया है। मीठा खाना है क्या आपको शिवू? मीठा खाओगे? हाँ। क्या खाओगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खाना? नहीं। टमी फुल हो गया? डिनर कम्प्लीट नहीं नहीं हुआ? नहीं। क्या खाना है? भाई मुझे लगता है ना आज हमारी किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि अब हम आए थे बाबा ठाकुर दास, जो कि अलवर की फेमस कलाकंद शॉप है, और आप उधर देखो सामने ये भी शॉप बंद हो गई है। पता नहीं क्यों आज सबको घर जाने की जल्दी लग गई। अब तो भाई हम सोच रहे थे कि हम अपने ब्लॉग का एंड नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि दो दो स्वीट शॉप हमने देखे, दोनों ही बंद हो गए, और अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें सीधा घर ही जाना होगा। तो मैं अपने वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। अगर अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।